तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फिर। तो अपना यहाँ पे ZBrush ओपन कर लेंगे। ये एक्चुअली मेरा न्यू सिस्टम है, अभी मैंने फ़िलहाल ही में तैयार करवाया है। ये काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशन्स हैं इसके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इसमें एक्चुअली सारे 2020 हैं वर्ज़न सॉफ्टवेयर्स के। और अब हम यहाँ से एज यूजुअल स्फीयर, एक स्फीयर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे इसको क्रिएट करके। अब टी प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएंगे। तो ये सब तो आपको चलो पता ही है। मैं एक पॉली मैश 3D कर लेते हैं। तो एक्चुअली अब देखिए गाइस, ये एक यहाँ पे जो ये दे रखा ना, ये यहाँ पे जो दे रखा है ना इंटरफेस चेंज करने के लिए लेआउट्स दे रखी हैं। तो यहाँ से हम अपना इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली ये वाला इंटरफेस में काफ़ी दिक्कत होती है ब्रश वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ से जाके सेलेक्ट करते हैं, तो फिर मतलब अगर आपका माउस हल्का सा भी यहाँ से साइड होता है ना, तो उसी टाइम ये गायब हो जाता है। तो आप और ना कुछ मतलब ब्रशेज़ हैं जो आप और को यूज़ में आएंगे ही आएंगे, तो वो जो आप और के सिलेक्टेड ब्रशेज़ हैं, जैसे 3 से 4 ब्रशेज़ हैं, वो आप और रख सकते हो। तो मतलब अब इंटरफेस को मतलब वो भी कर सकते हैं आप, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो खुद से। तो बट अब पता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इजी तरीका ये है कि मैं तो यहाँ से देखो ये यूज़ करता हूँ, यहाँ से गए तो यहाँ से अब मैंने ये प्रेस किया और एक और बार प्रेस किया, तो ये इंटरफेस के एक्चुअली काफ़ी सारे लेआउट्स हैं। तो ये जो थर्ड वाला लेआउट मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ, तो इसमें यहाँ पर हमारे ब्रशेज़ आ जाते हैं, ये देखो। तो यहाँ से मुझे ये एच पॉलिश की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना डैम स्टैंडर्ड ब्रश रख लेता हूँ जो मेरे को ज़रूरत है। तो अभी मैं बताऊंगा आप और को आगे कि आज ये डैम स्टैंडर्ड, वैसे मैंने आप और को सेकंड पार्ट में बताया था, बट वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी आप और को। तो अब ये सब हमारे ब्रशेज हैं, क्ले बिल्डअप और ये वाला क्ले वाला ब्रश है और एक क्ले बिल्डअप है। इन दोनों में भी काफ़ी फ़र्क है। एक्चुअली ये भी काफ़ी अच्छा ब्रश है, तो बताऊँगा इसके बारे में, काफ़ी यूज़फुल है। ये मूव टूल हमारा यहाँ हो गया। तो यहाँ पर हमारे सारे मेन ब्रशेज़ हैं, ये इधर हमारे मटेरियल्स आ गए और ये हमारे ब्रशेज़ आ गए। तो ये बढ़िया है हमारे यहाँ से ना। तो अब यहीं से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, ब्रश का साइज़ बढ़ा लेंगे अपना और एक्सप्रेस कर लेंगे, तो ये आ गया। चलो यहाँ से मैं मटेरियल भी चेंज कर लेता हूँ, मैट कैप ग्रे, ये बड़ा सही लगता है मटेरियल, ये भी अच्छा मटेरियल है। तो गाइस चलो फिर क्ले, तो चलो क्ले का यूज़ करते हैं अभी थोड़ा। ये देख रहे हो एक स्मूथ चीज़ को, ये एक भरी भरी सी टाइप की चीज़ बना देता, उभरा हुआ, मतलब ये उभरा हुआ ऐसा, जैसे आपको किसी भी चीज़ में मैश थोड़ा ग्रो करके दिखाना हो, उभरा हुआ सा दिखाना हो, तो ये ऐसे मतलब कर देता है ये ना ब्रश, काफ़ी अच्छा है। ये आप लोगों को तब समझ आएगा जब फेस बन रहा होता है ना, जब फेस वगैरह बनाएंगे तो उसमें जब गाल वाल के साइड में जब उभारेंगे उसको, या कोई क्रिएचर वगैरह, तब मतलब काफ़ी यूज़फुल है ये, काफ़ी चीज़ें हैं करने को। ZBrush को यार बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है, तो ये भी बेहतर है। तो आज आपको मैं काफ़ी यूज़फुल टिप्स बताऊंगा, तो शुरू करते हैं फिर ये। तो अब मैं आप और को बताने वाला हूँ मास्किंग, ठीक है। तो ये मास्किंग के बारे में आपको और को बताने वाला हूँ मैं। तो अब आप ना कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल होल्ड रखें प्रेस करके, और लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे ना, तो ये मास्क होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखा ना आपका जो जैसे ब्रश का ये जो कलर है रेड है इस टाइम, तो आप जैसे ही इसको कंट्रोल करोगे ना, तो ये देखो मास्क आ रहा है लिखा हुआ, और इसको क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके आप चला सकते हो, ठीक है। और अब आप ऑल्ट और कंट्रोल होल्ड रखे और ऑल्ट प्रेस करो, कंट्रोल होल्ड रखे और ऑल्ट प्रेस करो, तो यहाँ पे मास्क पहले प्लस में चल रहा था, माइनस आ रहा है देखो बना हुआ। तो अब ये चलाओ तो ये मिट जाएगा यहाँ से। तो अब ये चीज़ इतनी यूज़फुल है जब आप और को करेक्टर वैक्टर के कपड़े वपड़े बनाने होते हैं, वेपन्स बनाने होते हैं, तो काफ़ी डिटेल्स देने होते हैं, बहुत चीज़ें अभी मैं बताऊँगा। तो मैं आप और को जब ये आप देखोगे ना, तो फिर आप और को हाँ यार हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं इस चीज़ से ना, तो इसके बिना तो भाई ZBrush अधूरा है ये चीज़। तो जैसे ये तो अभी मैं चलो कुछ भी बना रहा हूँ, ये तो अभी कोई प्रॉपर रेफरेंस वगैरह लेके ही कुछ अच्छा
बनाते हैं, वरना तो वैसे ही जस्ट एक। तो चलो एक मैं यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ। तो ये तो बापरों को पता लग गया ना कि कंट्रोल और ऑल्ट से ये मिटेगा, साफ होएगा, और कंट्रोल से सिर्फ कंट्रोल से ये चलेगा। ठीक है, तो अब एक और तरीका है इसका। अब जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा मॉडल है, तो अब हम इसको यहाँ से हम ना मतलब अपने मॉडल के से अपने अपने मॉडल से अपने ब्रश को हटा लेंगे, और कहीं भी आउटर से ना बाहर से मतलब हम होल्ड रखेंगे कंट्रोल को, और फिर लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे ना, तो फिर ये देखो तब भी मास्क हो जाएगा हमारा। तो ये भी एक तरीका है इसका, कंट्रोल जेड से अंडू कर लेंगे और ये देखो ऐसे फिर भी मास्क हो जाएगा। तो ये काफ़ी तरीके हैं, और इसी तरह से मिट भी जाएगा अगर हम कंट्रोल और ऑल्ट होल्ड रखेंगे, और साफ भी हो जाएगा। तो अब ये भी तरीका था। तो अब चलिए, अब ये देखो, अब मैं ना इस पर ब्रश चलाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो जब मतलब जिस चीज़ पे ब्रश चलेगा वो हमारा वाइट एरिया है, जो मतलब ये जो ब्राइट है ना पार्ट, ये वाला एरिया जिस पे ब्रश चलेगा जो यूज़ कर पाएंगे। ये देखो, दो मिनट इसकी इंटेंसिटी कम कर लेता हूँ क्ले बिल्डअप की। तो ये देखो, ये इस पे चलेगा, ब्लैक वाले पार्ट पे नहीं चलेगा, जो हिस्सा मास्क को रखा है उस पे नहीं चलेगा, तो ये इस पे चलेगा। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो अब आप और ठीक है, ये इस पे चलेगा। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब इसको इन्वर्ट करना है, हमें मास्क को इन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मास्क को इन्वर्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस रख के लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, कंट्रोल प्रेस रख के और सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, देखिए, ठीक है। तो दोबारा करके देखते हैं, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक मारा मैंने, ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस पर ब्रश चलाऊँगा, तो साइड में जहाँ पर ब्लैक हिस्सा है वहाँ नहीं चलेगा। तो आप सोचो कैसी कैसी तरह की आप शेप्स बना सकते हो, जिस तरह की आपको नीड है, जैसा भी आप बनाना चाहते हो, तो ये कितना यूज़फुल है। तो ऐसे आप कर सकते हो। ZBrush में इतना कुछ है बताने को, इतना कुछ कि मतलब एक पार्ट या एक ट्यूटोरियल में, मतलब अगर मैं कहीं काफ़ी ट्यूटोरियल बना दूँ तब भी वो पूरा ना हो, मतलब इतने ज़्यादा कुछ है इसमें बताने के लिए। इतना काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, और आप बहुत बढ़िया सीख सकते हो, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ठीक है, अब ये हमें जो है ना, अब इन्वर्ट भी हमें कर दिया, अब हमें ना मास्क चाहिए ही नहीं, मतलब हमने इन्वर्ट भी कर दिया, मास्क हमें चाहिए ही नहीं। तो अब हम कंट्रोल होल्ड रख के साइड आउटर में कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक को ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल होल्ड रख के लेफ्ट क्लिक को ड्रैग कर देंगे, तो ये मास्क गया, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे अपनी शेप, ठीक है। तो ये देखो शेप आ गई ना, ठीक है। तो आप सोचो अपना मतलब जिनकी ड्राइंग अच्छी है तो मास्क कर करके काफ़ी कुछ बढ़िया उसमें क्रिएट कर सकते हैं। मास्किंग की और भी चीज़ें हैं, मास्किंग मतलब तुम जैसे फ़ोटोशॉप से कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट है तो तुम उसको मतलब कोई भी तरह की शेप है, जैसे अल्फ़ा मैप्स होते हैं ना, तो अल्फ़ा मैप मतलब तुम जैसे किसी भी शेप का कोई भी जैसे डिज़ाइन हो, अल्फ़ा मैप उसका लेके आओ यहाँ पर, और मास्क में ना ऐसे आप और ड्रैग करके उस चीज़ को भी यहाँ बना सकते हो, तो वो भी बताऊँगा। तो अभी तो चलो आप और इतना कर लो, तो अभी जैसे ये चीज़ है। तो अब मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो सेकंड ट्यूटोरियल में जो मैंने बताया था ब्रश, वो ब्रश मैं एक्चुअली आप लोगों को ढंग से उस टाइम बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से कर नहीं पाया था, बता नहीं पाया था। तो ये जो डैम स्टैंडर्ड ब्रश है ना, तो ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ये डैम स्टैंडर्ड। तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेंगे, तो अब इसको एक बार यूज़ करते हैं। तो ये देखो, तो ये ठीक है, मतलब आप लोगों को जैसे शेप देनी है ना चीज़ की, जैसे वहाँ पे एक मतलब स्मूथनेस आ रही है, तो आप लोगों को वो स्मूथनेस दे रही है, आप लोगों को वहाँ पे ना एक शार्प कर्व देनी है, ठीक है, आप लोगों को वो चीज़ और वो लेयर अलग से दिखानी है, अलग से शो करनी है, तो ये ब्रश काम आएगा वहाँ पे। वैसे तो आप लोगों को वैसे मेरे ख्याल से पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को ZBrush में प्रो बनना है ना, तो यार आप लोग ना वो ले लो, पेनटैब ले लो, मतलब माउस से नहीं इसमें काम चलता, तो ये बहुत बेहतर रहेगा।
तो इससे आप और शेप दे सकते हैं। जैसे आपने कोई सेपरेट मैश चलाया बट यार वो अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब आप और को स्मूथ दिखाना उसे, ठीक है। तो वो स्मूथ मतलब वो सॉरी मतलब आप और को ना मतलब जैसे आप और ने सेपरेट ब्रश चलाया तो आप और को ना मतलब वो स्मूथ है, स्मूथ दिख रहा है उसमें, मर्ज सा दिख रहा है। तो आप और को थोड़ा सेपरेटेड दिखाने के लिए, उसको डिटेल दिखाने के लिए ना, तो आप और ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी ये तो मुझे खुद नहीं पता मैंने बनाया क्या है, बड़े जस्ट आप और को दिखाने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं इसमें, थोड़ा बना लेते हैं इसको कि क्या बनता है। वैसे ये सारा इमेजिनेशन वाली चीज़ है। और ZBrush में ना हमेशा एक चीज़ याद रखना है, मतलब ZBrush में क्या, मतलब किसी भी चीज़ में यार आप और अगर कुछ भी बनाओगे ना तो रेफरेंस हमेशा ज़रूरी होता है, रेफरेंस के बिना कभी कोई चीज़ बनती नहीं है। तो रेफरेंस मतलब कोई बंदा सोचता है कि हाँ मेरी ड्राइंग अच्छी है, मेरी इमेजिनेशन अच्छी है, तो फिर भी मतलब रेफरेंस काफ़ी काम आता है, रेफरेंस के बिना वो शेप वो चीज़ें बनती नहीं है। मतलब आप और को टूल्स चलाने आते हैं, सब कुछ आता है, पर भैया ना रेफरेंस जब तक नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाती है। तो चलो अब जैसे ना अब मैं आप और को एक और चीज़ बताऊंगा। अब इसमें मेरे को सेकंड ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। अब मतलब जैसे यहाँ पे एक दूसरा, जैसे अब मैं यहाँ से ये लेता हूँ ना, कोई भी यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो जैसे अब मुझे ना यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट ऐड करना है इसी में, तो ये हम सब टूल में जाते हैं अपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको डबल करना है, ठीक है। चलो पहले मैं आप और को यहाँ से, मैंने शायद आप और को ट्रांसपोज टूल के बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ से हम अभी ये ड्रॉ में है, मतलब ड्रॉ मतलब एडिट मोड में अपने एडिट, तो अभी हम ना यहाँ पे एडिट मोड हमने ऑन करा हुआ था तो ये सब हम कर पाएँ। तो अब हम ना यहाँ पे ड्रॉ में है तो तभी हम ये सब एडिट वेडिट ये सब कर रहे हैं, ड्रॉ वगैरह कर रहे हैं, स्कल्प्ट वगैरह कर रहे हैं। तो अब हमें ना ये जो दे रखा है यहाँ पे मूव स्केल रोटेट, तो अब हमें इसका यूज़ मैं आप और को बताता हूँ। तो यहाँ पे अब ये मूव टूल है हमारा, तो ये मूव टूल पे मैंने क्लिक किया। तो अब मैं यहाँ से जैसे नॉर्मल माया वगैरह में होता है तो पहले मैं अपना जो है एक्स से सिमेट्री ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। सिमेट्री ऑफ कर ली तो ये जो हमारा मूव टूल है इससे हम मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, ठीक है, एक्स में आपको एक्स एक्सिस में, ठीक है। और यहीं से वैसे रोटेट वगैरह का भी सारा आ रहा है इसमें, बट यहाँ से आप और को बता देता हूँ कि यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और स्केल में भी इसी में ही दे रखा है सब कुछ। एक्चुअली इस एक आइकन से मैं सब कुछ दे रखा है, तो यहीं से हम स्केल कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से हम रोटेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को अपने। तो अब दोबारा से, और फिर इस पर जब हम जाएंगे ना तो ब्रश नहीं चलेगा क्योंकि हमें दोबारा से ड्रॉ मोड में जाना पड़ेगा ब्रश चलाने के लिए, ठीक है। तो अब ये चीज़ होगी। तो अब हम ना, अब इसमें मैंने क्या कहा था कि एक चीज़ ऑब्जेक्ट हमें एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। उसको एक करेक्टर ही बना देते हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसमें कुछ ऐड करने के लिए मैं इसकी आइज़ ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसमें ना मैं इसकी आइज़ ऐड करूँगा, तो इसको कुछ कर देते हैं, बना देते हैं इसको। तो अब ना जैसे अब आप और ये देख रहे हो कि यहाँ पे ना यार जो मेरा मैश है वो यार काफ़ी मतलब स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए पूरा बढ़िया सा दिखे, मतलब पूरा स्ट्रेच ना कहीं से दिखे, ठीक है। मुझे स्कल्पटिंग में हेल्प हो, क्योंकि अब देखो जैसे मैं यहाँ से ब्रश चलाऊँगा यहाँ पे, तो ये देखो कैसे चल रहा है ब्रश। और अगर मैं डिवाइड भी कर लूँ ना, अगर मैं डिवाइड भी कर लूँ तब भी यार कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो डिवाइड भी कर लूँगा ना तो भी मेरा स्ट्रेच तो रहेगा, और मैं कितना हद तक डिवाइड कर लूँगा मतलब वो मेरे वो बढ़ता ही रहेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा डिवाइड करूँगा तो चीज़ हैवी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ना ये पूरा मैश जो ना एक बार रीमैश हो जाए सब कुछ ना सही से, मतलब मैं इसको स्कल्ट कर पाऊँ। तो अब जो है ना यहाँ पे हमारा काम आता है, मतलब एक तो हम यहाँ से जाके हमने ज्योमेट्री में गए और ज़ी रीमैश में गए, ठीक है। तो यहाँ से हम ज़ी रीमैश भी कर सकते हैं
अपने ऑब्जेक्ट को, पर जी रीमैश यार बार बार करना मतलब सही नहीं रहता, ठीक है। जी रीमैश एंड का प्रोसेस है, जब हमें करेक्टर बना दिया या हमने अपनी चीज़ बना दिया और उसको जी रीमैश करके मतलब लो पॉली करके हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाके मतलब टेक्स्चरिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, तब यार वो बाद का प्रोसेस है। जब मैंने ZBrush मतलब इसको जाना ना अच्छे से, तो मेरे को बाद में पता लगा, पहले हम जी रीमैश कर देते थे, वो पहले पता नहीं था, एक डेढ़ साल पहले ज़्यादा मतलब इसकी नॉलेज नहीं थी। फिर मैं खुद ही से मैंने सीखा है, बहुत कुछ किया है, तो आप और को मैं दिखाऊंगा, काफ़ी करेक्टर वैक्टर बनाए हैं। एक्चुअली अभी तो मैं कंपनी में हूँ, मतलब एक AR VR MR, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ वर्चुअल रियलिटी में, VR में, तो उसमें यूनिटी में मेरे करेक्टर्स वैक्टर्स रियलिस्टिक करेक्टर्स जाते हैं, जिसमें ZBrush का भी बहुत यूज़ है और बहुत चीज़ें मैं करता हूँ। तो अब जैसे अब मैं यहाँ पे ज्योमेट्री ओपन कर लेता हूँ, तो अब इसमें से ना यहाँ पे आएगा एक डायनामैश, ठीक है। तो ये जो डायनामैश है ना, अब ये देखो क्या करता है, जैसे अब आपका ये ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको डायनामैश कर लिया, इसे नो कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली डायनामैश करने के लिए ना तुम्हारे जो सब डिविजन्स वगैरह ना बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे लेवल्स जो है ना, जैसे आपके पास लेयर्स हैं या लेयर्स, इसको या चाहे लो कर दो चाहे हाई कर दो, पर अपनी लेयर्स को ना यहाँ से डिलीट कर देना, हायर वाली को या लोअर वाली को जिसको भी है, बट डिलीट कर देना, डिलीट, तो ऐसे हो जाएगा। वरना वो ऑप्शन से पूछेंगे, वरना वो ऑप्शन पूछते हैं कि मतलब लेयर्स के बिना जो है ना, एक्स्ट्रा लेयर्स के बिना वो चलता नहीं है, तो फिर नो करना पड़ेगा तब भी चलेगा। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, नो कर दोगे तब भी चली जाएगा। तो अब यहाँ से डायनामैश में कर रहा हूँ, तो यहाँ से डायनामैश हो गया। तो अब तुम मैच देखो, ये अब तुम मैच देखो, सारी जगह एक बराबर मैच है। बेशक ये मैच ना मतलब जो है ना वो नहीं है, फोर वर्टेक्स वाला मैच नहीं है, ये ट्रायंगुलर वगैरह बीच में आ गए हैं, तो ये ख़राब है वैसे मैच, बट हमें इसका यूज़, हमें इससे शेप मिल जाएगी अच्छी, हम इससे प्रॉपर अपने कैरेक्टर की शेप दे देंगे। और अगर तुम सिर्फ एक स्कल्प्ट कर रहे हो और यहीं से रेंडर निकाल विकाल के अपना काम चलाना तुम्हें, या फिर ठीक है, तो तब तो ये काम आएगा, मतलब जैसे डायनामैश। और अगर तुम्हें जैसे 3D प्रिंटिंग वगैरह करनी है, तुम्हें प्रॉपर जैसे मैश नहीं, मतलब जो तुम्हें क्वाडकोर मैश नहीं वो करना है, देना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्वाडकोर जो मैश है प्रॉपर, वो फिर तुम बाद में जीरी मैश से कर सकते हो, बट यहाँ से ये जो है ये हमारे को मतलब शेप देने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और मर्जिंग भी ये चीज़ करता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स की मर्ज में भी बहुत हेल्पफुल है। तो अब ये चीज़ सारी दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये अब मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ, देखा शेप जी, क्योंकि जैसा मतलब मैं चाहता था तो वहीं पे मैश आ गया, मतलब वहीं पे जो है ना हमारे जो है सब डिविजन्स वगैरह सब बढ़िया वहीं पे आ गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ दे देते हैं इसको, नोज वोज की शेप दे देते हैं, तो अब जैसे मैंने ये हिस्सा मास्क किया, तो ऐसे मैंने ये हिस्सा मास्क किया, ठीक है। तो अब मैं इसको पहले इन्वर्ट कर लूँगा, तो उसके बाद अब ये देखो, अब मेरे को ये अंदर खींचना है, ठीक है, मेरे को टीथ वगैरह लगाने हैं, तो ये हिस्सा अंदर खींचना है। तो अब मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लूँगा अपना मूव वाला टूल, और अब यहाँ से ना ऑल्ट पकड़ के ना इसको नीचे ले आऊँगा, क्योंकि ऑल्ट से ना वो देखो लॉक ओपन हो जाता है, अगर मैं बिना ऑल्ट के ले जाऊँगा तो वो ऐसे ही ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑल्ट पकड़ के यहाँ से नीचे ले आऊँगा, अपने हिसाब से मैं सेट करके इसको, और ऑल्ट होल्ड रख के ही, मतलब ऑल्ट होल्ड रख के ही नीचे इसको घुमा सकता हूँ, और ये लॉक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्ट होल्ड करके घुमा सकता हूँ, और फिर जहाँ छोड़ूंगा लॉक हो जाएगा दोबारा से, और फिर अब मैं इसको पीछे की ओर मूव कर दूँगा, इसके मुँह को, ठीक है, मुँह को पीछे कर दिया। तो अब मैं इसको स्मूथ कर लूँगा, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ टीथ, और अब मैं ड्रैग करके ये हटा लूँगा, और अब दोबारा से डायनामैश यूज़ कर लूँगा, ताकि वो वहाँ उस वाली जगह पे ना, मतलब जैसे अब ये देखो, तो अब ये खींचा हुआ ना मैश, तो डायनामैश में यूज़ कर लूँगा, ताकि वो खींचा हुआ मैश ना रहे, अंदर भी सब डिविजन्स आ जाएँ। और अब एक्चुअली मैं आप लोगों को बस तरीका बता रहा हूँ, तो बात ये नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ इस टाइम, और कैसा ये मुझे पता है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है,
तो मुझे इसमें ऐड करना है एक ऑब्जेक्ट अलग से। तो अब हम यहाँ से ना ये अपना सब टूल ओपन कर लेंगे और यहाँ से अपेंड में जाएंगे। अपेंड पे जैसे ना, मतलब अगर आप अपेंड पे क्लिक करोगे ना तो अपेंड पे ही रहना, मतलब माउस कर्सर को रखना, वरना वो साइड में करोगे तो फिर वो गायब हो जाता है। तो अपेंड पे ही कर्सर रख के एकदम अंदर आ जाओगे इसके, जो ये टैब खुला है यहाँ पे नया। तो इसमें से अब मुझे जैसे आइज बनानी है, तो यहाँ से मैं सफ़ियर ले लूँगा, ठीक है। तो वो सफ़ियर आ चुका, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा सफ़ियर को, और यहाँ से ये मूव का और ये सफ़ियर मेरे पास है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसको पोजीशन वगैरह दे सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इसको स्केल कर लूँगा, ठीक है। तो अब ये मैंने एक्चुअली एक स्फीयर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब मैं इसको ज्योमेट्री टूल में जाऊँगा अपने, और मॉडिफाई टोपोलॉजी में, तो यहाँ से मैं कर दूँगा मिरर एंड वेल्ड, ठीक है। एक्स एक्सिस में मिरर एंड वेल्ड कर दूँगा। तो ये तो बोथ साइड मेरा आ चुका है, ये ठीक है, आइज आ चुकी है मेरी बोथ साइड। तो ये अब इसकी आइज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब मुझे, वैसे जब भी आप कुछ करेक्टर वैक्टर बना रहे हो ना, तो आइज़ थोड़ा पहले ही, मतलब जैसे अब मैंने आइज़ अभी लगा ली है इसमें, तो वो सही रहता है, क्योंकि जब एक सफ़ियर आ जाए ना आइज़ के लिए, तो फिर हमें शेप देने में इजीली मतलब हम शेप दे सकते हैं आइज़ को। तो अब जैसे यहाँ पे एक जैसे मैश यहाँ पे दूंगा, मैं मैश ऐड करूँगा, तो चलो बनाते हैं आप एक। यहाँ से आप एक्चुअली ऐसा कर लेते हैं, मास्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसके हॉर्न्स बनाते हैं आप, तो अपन ये ऐसे टाइप का कुछ इसके हॉर्न्स वगैरह बनाए। तो मैंने आपको बताया ना कि ये डायनामैश कितनी बढ़िया चीज़ है। तो अभी यहाँ से हमारा पूरा मैश ख़राब हो चुका है, तो बस डायनामैश करो और ये मैश के लिए वहाँ पे सब डिविजन्स आ गए हैं, तो इसे स्मूथ कर लो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये हॉर्न्स बनाए हैं, ठीक है, तो अब ये हॉर्न्स में ना हमें ना, चलो अब मैं चाहता हूँ कि ना मुझे ये सेपरेट करने हैं, ठीक है, मुझे ये सेपरेट करने हैं। तो कैसे करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने का एक तरीका है, अब मैं इसको पहले मास्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो मास्क करते हैं अपन, यहाँ से स्टॉक में जाके ना अपन लाजो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाजो से एक्चुअली मैं जैसे मर्जी चाहूँगा ना, यूँ ऐसे ड्रैग करके, तो जैसे मर्जी मैं शेप अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो मैं मास्क ऐसे इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर लिया, और परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ, तो आप खुद इसको दोबारा से फ्री हैंड यूज़ करके थोड़ा सा अपने आप मैनुअली कर लेते हैं, कि पूरा जहाँ से शुरू हो रहे हैं पूरा वहाँ से मुझे इसका जो है ना मैश अलग चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब मुझे ना इनको सेपरेट करना है हॉर्न्स को, तो अब मैंने ये मास्क किए हुए हैं। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा पॉलीग्रुप्स में, तो ये पॉलीग्रुप्स जो है ना हमारा काफ़ी हेल्पफुल है। तो अब मैं इसको, अब हमने मास्क किया, तो हमें जो पॉलीग्रुप्स है वो फ्रॉम मास्किंग से होगा, हमने पेंट नहीं किया। तो हम फ्रॉम मास्किंग पे क्लिक करेंगे,
तो अभी कुछ नहीं यहाँ पे आपको लगा शो हुआ, तो हम पहले इसका मास्क क्लियर कर लेंगे साइड में ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक, और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ से अब हम इस वाले मोड में जाएंगे हमारे वायर फ्रेम मोड में, अब एक क्लिक करा तो ये मास्क हो चुका है देखा। तो अभी इस चीज़ का फ़ायदा क्या है ये देखो, तो अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है ये देखो। सब टूल में मैं गया और अब मैंने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले ली, वो लेनी पड़ेगी आप को, वो बाद में बताऊंगा क्यों। तो अब मैंने ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट रखी, तो मैंने शिफ्ट कंट्रोल होल्ड रखा और ऊपर वाले जो हॉर्न्स है ना जो सिलेक्टेड है ग्रीन है, इसको मैंने लेफ्ट क्लिक से शिफ्ट कंट्रोल होल्ड रखा और लेफ्ट क्लिक से क्लिक मारा, ये देखा ये हमारे पास सेलेक्ट हो गए ठीक है। और कंट्रोल जेड से बैक लाऊंगा, और अब मेरे को अगर ये भी सिलेक्ट करना है तो मैं इस पर भी शिफ्ट कंट्रोल होल्ड से क्लिक मारूंगा 2 मिनट, तो ये भी आ जाएगा ठीक है। तो अब मैं मुझे यहाँ से ना हॉर्न्स चाहिए इसके ना, ये तो इसके हॉर्न्स मैंने ये सॉरी दोबारा से एक्चुअली अब ना इसमें एक चीज़ है, आप ना लूप की लूप डिलीट कर सकते हो, बट आपको एक ना जो मिडल में फेस पे क्लिक करना होगा तब ये पूरा सेलेक्ट होगा ठीक है। आप लूप पे क्लिक करोगे ना तो लूप डिलीट हो जाएगी, तो इसमें फेस वाला जो पोर्शन है ना, फेस वाले पोर्शन पे क्लिक करोगे ना तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इसको जैसे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो अब ये अब मुझे ना हिडन जो पोर्शन है इस वाली लेयर में जो हिडन पोर्शन है इसका मुंह वाला, तो वो मुझे डिलीट करना है ठीक है। तो अब भाई ये डिलीट करना है तो अब हम जाएंगे ज्योमेट्री में और यहाँ से मॉडिफाइड टॉपोलॉजी, तो अब मैं ना इसको हिडन डिलीट कर दूंगा, हिडन डिलीट ठीक है। तो हिडन डिलीट कर दिया मैंने, तो अब इसको मैं डायनामैश कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा डायनामैश, तो ये नीचे से फिल हो गया ठीक है। तो अब ये नीचे से फिल हो गया, स्मूथ कर देता हूँ उसको, ये अलग हो चुकी है हमारे पास लेयर। अब हमारे पास वो वाली तो पड़ी है ठीक है, अब ये वाली तो हमारे पास पड़ी है और इसमें भी हैं ठीक है, इसमें भी हॉर्न्स हैं, तो हम ये ऊपर वाले अपने हॉर्न्स ऑफ करेंगे और ये वाली लेयर क्लिक करेंगे, और अब हम और जो है ना हमारा वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेंगे। तो वायर फ्रेम मोड ऑन करने में अब आप लोगों को पता ही है करना क्या है, हमारा जो ये वाला कलर वाला है तो ये वाले को हम मैश को सिलेक्ट कर लेते हैं फेस को ठीक है। फेस पे मिडल में क्लिक किया और हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और अब इसको भी हम क्या करेंगे, पहले डिलीट हिडन मॉडिफाइड टोपोलॉजी में जाके डिलीट हिडन करना ज़रूरी है ठीक है। तो डिलीट हिडन करने के बाद अब हम इसे डायनामैश कर देंगे, ये किया डायनामैश और ये आ गया अब ठीक है। तो अब इसे भी स्मूथ कर देंगे, तो अब हमारे पास दोनों मैश अलग अलग है ठीक है। तो अब जो इसके हॉर्न्स हैं थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, अलग से निकल के आ रहे हैं देखो सा, तो ठीक है स्केल कर सकते हो, छोटे कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। तो भाई ये चीज़ जो है ना ये इतनी हेल्पफुल है ना, इतनी तगड़ी चीज़ है, आप बहुत चीज़ें बना सकते हो कि आप उन्हें जैसे कुछ भी शेप दिया और उस चीज़ को सेपरेट करना और फिर उसके बाद मतलब बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसकी आइज़ में ऑन कर देते हैं, अब काफ़ी आगे आगे चीज़ें बहुत सारी हैं, तो मैं आप को धीरे धीरे अब ट्यूटोरियल्स वाइज बताया करूँगा। तो चलिएगा इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं फिर, तो अगर आप को ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और क्या बोलते हैं शेयर भी कर देना वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।